वैज्ञानिकों ने ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की है। उनकी ये खोज टीबी के इलाज में बहुत सहायक हुई। इस बीमारी को तपेदिक या क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। 1905 में उन्हें अपनी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में 2030 तक दुनिया में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन 2020 में भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के मध्य में 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने की घोषणा की। टीबी के लक्षण: छाती में तेज दर्द, भूख में कमी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, बलगम के साथ खून आना, 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना, वजन का अचानक बढ़ना, ये सभी टीबी के लक्षण हैं। लेकिन कैसे फैलता है टीबी? टीबी से संक्रमित रोगियों के कफ, चीखना, खांसी, थूकना और इनके द्वारा छोड़ी गई सांस से वायु में जीवाणु फैल जाते हैं, जो कई घंटों तक हवा में रहते हैं। ये जीवाणु हवा के रास्ते से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, जिस कारण स्वस्थ व्यक्ति भी तपेदिक रोग का शिकार बन जाता है। तपेदिक रोग का जीवाणु सांस के मध्य से फेफड़ों तक पहुंच जाता है और इसके बाद वह धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलना शुरू कर देता है। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की योग्य है, टीबी की बीमारी किसी संक्रमित व्यक्ति के कपड़े या बर्तन आदि को छूने से नहीं फैलती। टीबी की जांच के लिए कई टेस्ट उपलब्ध हैं, जैसे छाती का एक्सरे, बलगम की जांच, स्किन टेस्ट आदि। टीबी दिवस को मनाने का उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिवस टीबी जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म करने और समाधान ढूंढने पर जोर देने के उद्देश्य को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस पर इस घातक रोग के बारे में विस्तार से जाने और इसे नजरअंदाज करने की भूल ना करें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे वर्ल्ड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर किसी विषय में संक्षेप में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।